मध्य प्रदेश से जुड़ी हर खबर को जानने के लिए सब्सक्राइब करें एमपी तक, साथ ही नोटिफिकेशन को पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। पीएम मोदी की इच्छा को पूरा करने के लिए उनके कैबिनेट मंत्री प्रहलाद पटेल ने स्वराज ग्राम पदयात्रा की। 4 दिन की ये यात्रा सोमवार को खत्म हुई। यात्रा में हजारों लोगों का हुजूम अपने नेता प्रहलाद पटेल के साथ दिखा। ये यात्रा राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की 150वीं जयंती की वर्षगांठ और अटल जी की पहली पुण्यतिथि के मौके पर शुरू हुई थी। ये यात्रा देवरी के अनंतपुरा गांव से शुरू की गई थी और इसका समापन फुटेरा वार्ड में मौजूद गुरुद्वारे में हुआ। इस यात्रा में महात्मा गांधी के परपोते श्री कृष्ण कुलकर्णी भी शामिल हुए। साथ ही मशहूर गांधीवादी चिंतक और विचारक राजगोपाल भी इस यात्रा में प्रहलाद पटेल के कदमों से कदम मिलाते दिखे। इस मौके पर प्रहलाद पटेल ने यात्रा के बारे में बताया और गांधी जी को याद भी किया। परम पूज्य शिवाजी की एक वाणी मैंने बोली है, विश्वास होता नहीं है, विश्वास किया जाता है। अगर हमारे पास सब कुछ हो लेकिन विश्वास करने की स्थिति ना हो तो आप जीवन में कुछ अच्छा नहीं कर सकते। धन होगा दान नहीं कर पाएंगे, शरीर में सामर्थ्य होगी लेकिन लोगों के लिए भले का काम नहीं कर पाएंगे। इसलिए मुझे तो लगता है कि इस यात्रा का फल जरूर है और जिन लोगों ने कष्ट को आत्मसात कर लिया, अगर शारीरिक कष्ट आनंद देने लगे, इसका मतलब है कि वो मनुष्य हो गया है। और भारतीय संस्कृति कहती है कि हम कितने भी कष्ट में अपने परोपकार के भाव को ना भूलें। महात्मा गांधी को ये सच्ची श्रद्धांजलि होगी। मैं प्रधानमंत्री जी का भी आभारी हूँ कि उन्होंने एक अच्छे काम के प्रति हम लोगों को प्रेरित किया। प्रहलाद पटेल की माने तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मंशा है कि हर एक सांसद अपने लोकसभा क्षेत्र की पद यात्रा कर लोगों की समस्याएं जाने और ग्राम स्वराज, नशा मुक्ति, स्वच्छता अभियान और पर्यावरण संरक्षण के प्रति जागरूक करें। और पीएम मोदी की इसी इच्छा को पूरा करने के लिए ही अपने क्षेत्र की समस्याओं को जानने के लिए प्रहलाद सिंह पटेल ने ये यात्रा की। इस यात्रा का समापन उसी गुरुद्वारे में हुआ जिसके निर्माण के लिए 2 दिसंबर 1930 को खुद महात्मा गांधी जी ने 7,811 का चंदा करवाया था। यात्रा के समापन पर केंद्र मंत्री प्रहलाद पटेल ने सभी साथियों का आभार जताया, साथ ही यात्रा में शामिल हुई महिला कार्यकर्ताओं को मंच पर बुलाकर सम्मानित भी किया। दमोह से शांतनु भारत की रिपोर्ट।